हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डोमर्स ग्रोथ मॉडल। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जम्पशंस, मेन फीचर्स, इक्वेशन फॉर्म ऑफ डोमर्स ग्रोथ मॉडल। सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग देख लेते हैं। प्रोफेसर ईडी डोमर ने एसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण प्रस्तुत किया। वृद्धि का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए डोमर ने बताया कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की दशाओं को अभिव्यक्त करने के साथ साथ इस संतुलन को बनाए रखने की स्थितियों की व्याख्या भी उनका यह मॉडल करता है। प्रोफेसर डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था संतुलन में तब कही जाएगी जब उसकी उत्पादन क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाए। डोमर के अनुसार इन्वेस्टमेंट उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और फिर इसके फलस्वरूप आय का निर्माण होता है। डोमर के द्वारा दी गई डेफिनेशन, विनियोग की वृद्धि उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है वैसे वैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और उसकी वजह से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है और आय भी उत्पन्न होता है। विनियोग वृद्धि की दर क्या होनी चाहिए जिससे कि आय की वृद्धि को उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर के बराबर किया जा सके ताकि पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जा सके। डोमर ने बताया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, किस तरह से उस पैसे को अपनी उत्पादन क्षमता में लगाना चाहिए कि लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो और उसके फलस्वरूप लोगों को आय की प्राप्ति हो, और जब उनको आय की प्राप्ति होगी तो वो वस्तुओं की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे और उसके फलस्वरूप और वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती रहेगी और एक समय आके कंट्री में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाएगी। एग्जम्पशंस यानी कि मान्यताएं। मौद्रिक आय और वास्तविक आय समान है। मौद्रिक आय और वास्तविक आय समान है। सरकारी हस्तक्षेप तथा विदेशी सहायता का इसमें अभाव पाया जाता है। किसी तरह से भी कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। अर्थव्यवस्था बंद है और विदेशी सहायता का इसमें अभाव पाया जाता है। विदेशी व्यापार नहीं होता है। पूंजी श्रम का अनुपात स्थिर है और औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति के समान है और अर्थव्यवस्था ने पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लिया है। ये सभी इसी सिद्धांत की दी गई मान्यताएं हैं। उन्होंने अपनी मान्यताओं को देते हुए बताया है कि अर्थव्यवस्था का जो आय स्तर है वो प्रारंभिक पूर्ण रोजगार की अवस्था को वाक्य में पार कर चुका है। अब आते हैं इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं। निवेश का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्वेस्टमेंट ही किसी कंट्री के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकता है और इससे एक और तो आय में वृद्धि होती है और दूसरी ओर उससे उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, प्रभावपूर्ण मांग के कम होने पर बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। सीधी सी बात है, जब वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है तो वस्तुओं का प्रोडक्शन भी नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप या तो वो तालाबंदी कर दी जाती है फैक्ट्रियों में और उस या फिर उस प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है और लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होकर उत्पादन में वृद्धि होती है और जैसे जैसे डिमांड में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती चली जाती है क्योंकि डिमांड की वजह से ही वस्तुओं का उत्पादन होता है और वस्तुओं का जो उत्पादन ज्यादा होने लगता है तो ज्यादा लोगों को काम पर रखा जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वह पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए उत्पादन की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखना है। यदि कंट्री में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है तो डिमांड और सप्लाई इन दोनों को सही रखना होगा। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आय में जो वृद्धि है वो निम्न दर से होनी चाहिए, यानी कि आय में वृद्धि तो हो लेकिन धीरे धीरे करनी चाहिए और जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति तो होती रहेगी सभी लोगों को और साथ साथ लोगों की मांग में भी वृद्धि होती रहेगी। अब हम पढ़ते हैं डोमर के विकास मॉडल का समीकरण रूप। प्रोफेसर डोमर के समीकरण का एक पक्ष तो उत्पादन क्षमता की वृद्धि और दूसरा पक्ष आय की वृद्धि को बताता है। किस तरह से उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और जब उत्पादन बढ़ रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उसकी वजह से आय की वृद्धि भी हो रही है। यदि आय यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, विनियोग की वार्षिक वृद्धि दर और सिग्मा का मतलब है विनियोग की उत्पादकता में वृद्धि। इस प्रकार ये प्रत्येक इकाई
अतिरिक्त विनियोग के परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता में होने वाले वृद्धि को बताता है। एस इज इक्वल टू पूंजी की उत्पादन क्षमता है और डेल्टा आई है विनियोग में वृद्धि जो वार्षिक वृद्धि दर हो रही है, डेल्टा वाई आई की वार्षिक वृद्धि दर है, डी बचत की प्रवृत्ति है और वाई उत्पादन में होने वाली शुद्ध वृद्धि है। अब हम इसके पूर्ति पक्ष को देखते हैं। पूर्ति पक्ष पर विचार करते हुए डोमर ने स्पष्ट किया है कि एक वर्ष में विनियोग की वृद्धि दर आई है तथा नई पूंजी की उत्पादन क्षमता एस के बराबर है। अतः जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी उत्पादन क्षमता आई एस डॉलर वार्षिक वृद्धि होगी। लेकिन यह भी संभव है कि उत्पादन क्षमता आई एस इकाइयों के बराबर नहीं बढ़ती बल्कि इससे कुछ कम होती है। कारण यह है कि उद्योगों में या एक ही उद्योग की विभिन्न फर्मों में उत्पादन क्षमता एक जैसी नहीं होती। ऐसी अवस्था में उत्पादन क्षमता आई एस डॉलर प्रतिवर्ष न बढ़कर उससे कुछ कम आई सिग्मा के बराबर होगी। यह सिग्मा जो है वो निवेश की औसत उत्पादकता को बताता है। डोमर ने सिग्मा को विनियोग की संभावित सामाजिक औसत उत्पादकता के द्वारा निरूपित किया है। वस्तुतः सिग्मा जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सूचित करता है। इस प्रकार यह न केवल राष्ट्रीय आय बल्कि अर्थव्यवस्था की संभावित उत्पादकता को भी बताता है। डोमर ने इसके मांग पक्ष को बताते हुए बताया है कि मांग पक्ष के अंतर्गत डोमर ने कीन्स के गुणक सिद्धांत का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से आय में जो वृद्धि है वो निवेश वृद्धि और गुणक के आकार पर निर्भर करती है। डोमर ने माना है कि अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी जो है वह पूर्ण रोजगार संतुलन की दशा में है। इससे अभिप्राय है कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी उत्पादन क्षमता के बराबर है और यह दशा तब तक विद्यमान रहती है जब तक कि आय और उसकी उत्पादन क्षमता में एक समान दर से वृद्धि होती रहेगी। संतुलन पक्ष जो दिखाया गया है इस चित्र में ओ वाई पर वास्तविक बचत व विनियोग को दिखाया गया है और ओ एक्स पर वास्तविक आय को दिखाया गया है। बचत के फलन को ओ एस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जो काफी लंबे समय तक स्थिर मानी गई है। जो आरंभिक विनियोग मांग रेखा है वो आई के द्वारा दिखाई गई है। यह बचत फलन ओ एस को ए बिंदु पर काटती है और बिंदु ए पर आय का नया संतुलन स्तर ओ वाई है। नए पूंजी के निर्माण को ओ आई के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसका विनियोग करने से आय में वृद्धि होती है अर्थात आय ओ वाई से ओ वाई वन हो जाती है। आय में होने वाली वृद्धि से आय का एक नया संतुलन स्तर ओ वाई वन केवल तब तक बना रहता है जब तक कि विनियोग ओ आई से बढ़कर ओ आई वन न हो जाए। विनियोग के ओ आई वन होने पर नया विनियोग मांग फलन आई वन हो जाता है जिससे बचत फलन ओ एस बिंदु बी पर काटता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि विनियोग प्रत्येक अगली अवधि में बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आय में वृद्धि भी तभी तक संभव है जब तक कि विनियोग में वृद्धि हो। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी और कुल मांग में काफी कमी आ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था को उसी स्थान पर बने रहने के लिए तीव्रता से भागना होगा अन्यथा वह नीचे की ओर गिरने लगेगी।